एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मोजू नाम के जो नए बंदे को स्नैड किया था वो साथी में होंग्युन या दोनों के बीच में कुत्ता बिल्ली जैसे दुश्मनी चालू थी, आपस में बहस करते हैं। एंड में भाई होंग्युन ये भी कह देता चूशवान से, बस बहुत हो गया, निकाल दो भाई इसको चैट ग्रुप से, मैं नहीं चाहता यहाँ पे रहे। तो चूशवान सोचते कि यार ऐसा कैसे भाई, एक तो भाई डिवाइन स्टेज के बंदे ढूंढने काफी मुश्किल होते हैं, मुझे मिलता है मैंने चैट ग्रुप में ऐड करता हूँ, जो जो चैट ग्रुप में ऐड है ना हल्का हल्का उनका एनर्जी ना निकलता उनकी बॉडी से, मैं जो क्रिस्टल है ना भाई डिवाइन क्रिस्टल वो उसमें जाता है जिससे मैं जो स्मॉल वर्ल्ड है ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनता है, इसको निकालूंगा तो एनर्जी मुझे मिलेगी नहीं। तो यार मैं नहीं चाहता निकालने के लिए, एक काम करता भाई इनको कियान की बातें पहले के ना रोकवा देता हूँ, इसलिए कहता सुनो वत्स आई नो यहाँ पे ढेर सारे बंदे हैं जो पास्ट में मिल चुके, दुश्मनी यहाँ पे थी, पास्ट की बातें पास्ट की होती है, बुला दो पास्ट की बातें, करंट टाइम पे भाई दोस्ती करके यहाँ पे जियो ना। सामने से जैसे ये मौजू सुनते ना सोचते कि अच्छा भाई तो ये है मेन लीडर जिसने मुझे ऐड किया था या चैट में ऐड कर दिया बिना मेरी परमिशन का जबरदस्ती, यानी देखा जाए तो इसकी पावर ना कहीं मुझसे ज़्यादा ही होगी। जो होंगी उन्हें ना वो बनी मन सोचते अरे यार चूशवान तो सामने से करा है, गीला शिकवा भुला दो और यहाँ पे दोस्ती कर लो अच्छे से, यहाँ पे काटो जिंदगी। तो भाई जो बोलता वैसा कर लूंगा। और क्या चूशवान कहता कि सुनो यार तुम सबको एक और कमाल की बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो चैट ग्रुप है ना हम कल्टिवेटर तो हजारों लाखों सालों से रह रहे लेकिन कभी चैट ग्रुप तैयार ही नहीं हुआ, आज जाके तैयार हुआ क्यों? जो सुनते सामने सो सबके सब चौंक जाते, कहते नहीं हमको नहीं मालूम, बोलो काय को। जो सुनते चूशवान कहते कि मैनू नहीं बताना, ये तुम अपने आप यहाँ पे पता करो। जो सुनते वो लोग कहते ओके ठीक है सीनियर समझ गए, अपने आप पता करेंगे। और मनी मन खुश है, मेरा जो पावर है ना भाई वो अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके साथ मैं फाइट करूँगा ना मैं ही आ जाऊँगा, लेकिन जो मेरी बात है ना भाई इतनी कमाल की ना कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे को भी अच्छे से बुद्धू बना सकता हूँ। रिलैक्स अब भाई किसी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो आराम से कुछ दिन निकल जाता है और हमेशा की तरह घर में लेटा हुआ है। और तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वेल बधाई हो, जो आपका है ना भाई लौंडा 16 साल का है, लौंडा मतलब भतीजा एम्पायर स्टेज पे जा चुका, तो बदले में आपको ना 1000 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस मिलता है और साथ ही में कमाल का आइटम मिलता है। और ये लौंडा ना अब तक सबसे यंगेस्ट लौंडा होगा जो एम्पायर स्टेज पे गया 16 साल की उम्र में, इससे पहले कोई भी लौंडा ने 16 साल की उम्र में एम्पायर स्टेज पे गया नहीं है, उसका अलग से एक्स्ट्रा अवार्ड यहाँ पे मिलता है कमाल की डिग्री। ये भी हिल जाता है कि एक सची में मतलब मेरा भतीजा यहाँ पे चला गया एम्पायर स्टेज पे, वेल जाना चाहिए, मैंने पहले यहाँ पे लगाया था कि दुनिया का सबसे यंगेस्ट बंदा बनेगा एम्पायर स्टेज पे जाने पे, और ऐसा नहीं कि आलसी बंदा है कल्टीवेशन नहीं करता, यार इतने सालों से जब से मेरे पास है ना 2400 घंटे ना कल्टीवेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान देता है, हाँ तो भाई अफोर्स देता है, तो भाई हो गया। तो स्मॉल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करता है, स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकलता है और कहता है भाई तेरे अंकल जल्दी से देखो भाई लेवल अप हो गया, एम्पायर स्टेज पे चल गया। सामने से चूच छोड़ देते गुड 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 या आई नो भाई मुझे यहाँ पे मालूम चल गया, बहुत ही बढ़िया मेरे भतीजे तूने तो आग लगा दिया, तेरा जो अंकल यानी मैं बहुत ज्यादा तुझसे यहाँ पे खुश हो गया, आ जा यहाँ पे गले मिल जा। लेकिन सामने से भाई अब बहुत ज्यादा से उड़ने की जरूरत नहीं है, यस एम्पायर स्टेज पे चला गया, बवाल मचा दिया, एम्पायर स्टेज समझो अभी शुरुआत ही होती है, इसके अलावा और भी आगे बहुत सारे पावर स्टेजेस यहाँ पर है, तुमको वो भी हासिल करना है। जो सुंदर ये भी कहता या अंकल समझ गया मैं बिल्कुल आलस निपल नहीं करूंगा और भी ज्यादा अच्छे से कल्टिवेशन करूंगा। जो सुंदर ये भी कहता गुड गुड इतने सालों से तू कल्टिवेशन मेरे अंडर में रह के कर रहा था लेकिन अब तुझे ना एडवेंचर करने का दुनिया में एक्सपीरियंस गेन करने का भी बारी आ चुका है, यानी घर से बाहर जाकर तुझे एडवेंचर अपॉर्चुनिटी हासिल करके अब अपने आगे का पावर बढ़ाना पड़ेगा। जो सुन दे वो भी कहता है या अंकल समझ गया अब जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। चूशवान ये भी कहता है और जो घोष क्लैन के लड़के ने यू आर अपने साथ उसको भी लेके जाना, मिलके एडवेंचर यहाँ पे करना, उसका भी फायदा हो जाएगा। वो भी सामने से कहता है या डोंट वरी उसको भी लेके जाऊंगा अपने साथ। और उसको देना अपना चूशवान सोचता है जो रिवॉर्ड यहाँ पे मिला ना उसको ले लेता हूँ, रिवॉर्ड में बड़ा कमाल का आइटम यहाँ पे ना था, आइटम जिसको यहाँ पे गोल्डन सूत्र स्क्रिप्चर कहा जाता है, जो कि एक टाइप का समझो भाई स्क्रिप्चर यहाँ पे था एंशियंट टाइप का, जो दुनिया बनना चलो जब लोगों ने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू किया था उस टाइम का, बहुत सारी इसमें ज्ञान की बातें कल्टीवेशन के बारे में। तो ये भी सोचता वाओ अगर मैंने इसको अच्छे से भाई ये समझ लिया सीख भी लिया ना तो जो डिवाइन स्टेज के बंदे ना उनको भी आप उन ज्ञान दे देके ना उनका भी मास्टर बन सकता है। हाँ अपन डिवाइन स्टेज वाले बंदे को भी ना अपना ये डिसाइपल बना के उसको और अच्छे से ज्ञान देकर डेवलप कर सकता हूँ। डिवाइन स्टेज वाले को मैंने बनाया था लेकिन जब मैंने बनाया था ना वो लोग यहाँ पे हेवनली स्टेज पे थे, जैसे कि भाई रेन यहाँ पर हो गया या फिर कोच होता मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और चैट वाले को मैं किसी को ग्रुप मतलब चैट वाले को मेंबर को ना मैंने अपना डिसाइपल नहीं बनाया, उनको मैं डिवाइन स्टेज पे ज्ञान दे नहीं सकता वरना मेरे ज्ञान से फायदा नहीं होगा, लेकिन इसको अच्छे से सीखने वाले मैं उनको भी ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई मुझे 1000 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस भी मिला था उसको भी तो ले लेने दो। हाँ तो कहता है आज अब एक्सपीरियंस मिल जाए मुझे, एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन एक्सपीरियंस मिलने के बाद ना इसका कितना लेवल अप हुआ वो बताने गया। आखिरी बार ना डिवाइन स्टेज के 6ठे लेवल पे था, इस बार सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन की डिवाइन स्टेज में आपका एक और छोटा सा लेवल अप हो गया और दुनिया के सबसे यंगेस्ट बंदे बन चुके जिसका ना डिवाइन स्टेज पर इतना फटाफट ना प्रोग्रेस यहाँ पे हो रहा है, जिसके बदले आपको दो कमाल के रिवॉर्ड मिलते हैं, एक तो स्पेस का भाई पावर यहाँ पे मिलता है और सेकेंडली 100 एवेन्यू यहाँ पे मिलता है। तो ये सब मिलने के बाद ना ये तो
और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो खुश है कि हाँ भाई मेरे पास टोटल 5 चीज़ों की पावर आ चुकी है, जिसमें से एक तो स्पेस, एक सॉल, बाकी 3 चीज़ें होंगी जो कि इसको पहले कई बार मिली है, उतनी चीज़ें मुझे भी याद नहीं है, जिसके बाद से मेरा जो कल्टीवेशन करेगा स्पीड है ना ऑटोमेटिकली बाकी सबके मुकाबले ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, मेरे बराबर लेवल का कोई बंदा आ ही नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ लेकिन मुझे भी ज़्यादा खुश यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्यों भाई कुछ भी कह नहीं सकते। और मुझे याद है जो रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे मिला था अभी अभी, जिसमें सॉल एवेन्यू और साथ ही में स्पेस एवेन्यू, यहाँ पर कह सकते हो स्पेस की पावर या फिर स्पेस एवेन्यू, और स्पेस एवेन्यू को ना टाइम एवेन्यू भी यहाँ पर कहा जाएगा। भाई स्पेस और टाइम ना आपस में कनेक्टेड है, तो इस एवेन्यू से मेरा क्या होगा, आई मीन सच्ची में क्या होगा। लास्ट टाइम ना मुझे याद है एक तो भाई नॉर्मल एवेन्यू मुझे दिया था जिससे मेरा फायदा हुआ, लक एवेन्यू भी मुझे सिस्टम में दिया था उससे भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हुआ था। इस बार भी मुझे यहाँ पे टोटल 2-2 एवेन्यू मिल चुका है, इस बार भी कुछ ना कुछ हो जाएगा यार। मैं इतना सोच कर करूँ भाई सीधे एंट्री मारता हूँ और क्या, इसलिए लेट्स गो। और एक समय जाते जाते ना ये क्रिस्टल भी अपने साथ लेके जाता हूँ, शायद फायदा हो जाए। तो इस बार जो एवेन्यू यहाँ पे था ना समुद्र यहाँ पे थी, और इस पर एक नाव था, नाव पे सवार था, देखते कि वह यार इस वाला एवेन्यू तो एकदम अलग ही है। मैं जितना दूर तक यहाँ पे देखते जाऊँ लिटरली ऐसा लगता है इसका एंड ना कहीं है ही नहीं, मैं कभी एंड मिल ही नहीं पाऊंगा, क्यों ना हजार साल अलग मैंने ट्रैवल कर लिया तो भी। और ये नोटिस करते इसका फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो रहा है, यानी मैं लिटरली अभी आया ही और आते ही मैं इतना ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो रहा है, सोचो कुछ साल मैंने गुजार लिया तो कितना ज़्यादा फायदा होगा। ये चैट ग्रुप में जो बंदे अगर किसी तरीके से उनको भी यहाँ पे बुला लूँ, उनको भी फायदा दिलवा दूँ तो भाई बढ़िया होगा ना, इसलिए चैट ग्रुप में डाल दे कि हेलो साथी लोग कैसे हो, मैं यानी चूशवन जो टाइम एवेन्यू यानी स्पेस एवेन्यू बेसिकली वहाँ पर आ चुका हूँ। यार अच्छा लग रहा, कौन कौन आएगा जो होंगे उन दोनों चौक जाता कि एक सेकंड यार हमारा एक एवेन्यू पार यहाँ पे होता नहीं है, ये टाइम एवेन्यू के अंदर भी यहाँ पे जा चुके हैं। मम्मी रे सामने से जो नया नया आया था ना बंदा मौजू, वो भी जाते कि यार यार इसे चैट कर लीड़ा था बड़ा दम कमाल का, भी टाइम एवेन्यू में चला गया। लास्ट टाइम मैंने बदतमीजी कर दी, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होगा। जो टाइगर यहाँ पे था वो कन्फ्यूज के यार यार चैट में लोग क्या बातचीत करते हैं, मैंने समझ भी नहीं आता, जो कहोगे वो सैड हो जाते कि भाई चैट में सब लोग इतने महान इतने बड़े बड़े, मैं नल्ला का नल्ला रह जाऊँगा, रिप्लाई कोई नहीं देता। तो अपना चोशवान भी कन्फ्यूज की भाई यार एटलीस्ट कोई एक ना एक बंदा रिप्लाई दे देता है, ईश्वर कोई नहीं दिया ऐसे कैसे रिप्लाई देता हूँ कि हेलो कोई है क्या होंगे या सुनाई दे रहा यार मैंने कुछ बोला, कोई कुछ तो रिप्लाई दो यार। तो सामने से होंगे रिप्लाई देता कि अरे सॉरी 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 यार तुम्हारी बातें सुन के एकदम साधु में चले गए, इसे रिप्लाई देने का टाइम नहीं मिलता। यह सच्ची में टाइम एवेन्यू के अंदर यहाँ पे जा चुके यार, हमारी उतनी औकात यहाँ पे कह के भाई टाइम एवेन्यू के अंदर हम चले जाए, तो भाई तुम आराम से एंजॉय करो, हम गुड लक यहाँ पे विश कर सकते हैं और क्या ही विश कर सकते हैं। तो ये भी सोचता अच्छा भाई उनके पास अभी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है टाइम एवेन्यू में जाने के लिए, मुझे लगा भाई ये लोग मुझसे ज़्यादा हायर लेवल के यहाँ पे थे, हालांकि भाई मैं कम टाइम के अंदर भाई इस लेवल पे चल गया, ये लोग ज़्यादा टाइम में गए थे, लेकिन हे भाई मुझसे हाई लेवल के, तो मुझे लगा शायद इनमें से काफ़ी सारे बंदे टाइम एवेन्यू में आ जा सकते थे, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ, तो भाई मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन इनसे भी ना हो पाया। वाओ एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली ना इसके चैप्टर्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, अगर आपको कोई कमाल का मानुआ यहाँ पे मालूम है, हाँ कमाल का मानुआ जो अभी तक किसी ने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया मुझे चैट में यहाँ पे बताओ, तो मैं उसको देखूंगा, अच्छा लगा मैं कंटिन्यू करूँगा और ये आपसे डेली आना चालू होगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।